अब ये जो मेरे पास शीट है ब्राउन बेल्ट की है, इससे पहले वाली थी ब्लैक, ये आ गई हमारे पास ब्राउन। यहाँ पर टोटली डिफरेंट बात हो रही है। वहाँ पर हम काम कर रहे थे कीवर्ड्स के थ्रू, अमेजोन में हम दो मल्टीपल तरीके से अपनी पेड मार्केटिंग रन करते हैं। एक कीवर्ड्स होगा जैसे कि ब्लैक लेदर बेल्ट, ब्लैक लेदर बेल्ट फॉर मैन, तो मेरी प्रोडक्ट आ रही थी सर्च में, आपने देखी। दूसरा क्या मेथड है, ये मैंने अपना कीवर्ड डाला, बहुत सारी प्रोडक्ट आ गई, किसी भी एक प्रोडक्ट को मैंने ऑन कर लिया। एक आध कोई और प्रोडक्ट भी खोल लेता हूँ। ये जो आपको शीट नजर आ रही होगी ना, ये देखें, इसके अंदर देखें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। इसके अंदर प्रोडक्ट के कुछ एएसएन वगैरह भी अपडेट हुआ है। यह प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स को टारगेट किया हुआ है। ये एक प्रोडक्ट है, नीचे मैं आया था उसमें, स्पॉन्सर लिखा है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग, मीन्स मैं ये कहता हूँ कि जब कोई ये प्रोडक्ट ओपन करे, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, 4,000 इसकी रेटिंग है, जबरदस्त, हर बंदा चाहेगा कि यहाँ से परचेज करना। मैं कहता हूँ जब कोई यूजर इस लैंडिंग पेज पर आए, उसको मेरा ऐड नजर आया, मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हूँ, ये कहलाती है प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। तो यूजर इस प्रोडक्ट पर आया, थोड़ा सा अगर वो नीचे आता है, प्रोडक्ट को सर्च करता है, डिस्क्रिप्शन देखता है, नॉर्मली ऐसा होता है ना, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं, डिटेल्स की पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हम उससे परचेज करते हैं। अब जब एक यूजर इस लैंडिंग पेज पर आया, वो उसकी डिस्क्रिप्शन देख रहा है, सारी चीजें रिव्यू कर रहा है, तो वहां पर बीच में उसको ये मजीद बेल्ट के एड नजर आए थे। आप देखें ये आ गए प्रोडक्ट डिटेल्स, अब आ रही है यहाँ पर, और फिर ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। अमेजोन ने क्या, अमेजोन क्या होशियारी करता है, कुछ चीज, एक तो उसने प्रोडक्ट दिखा दी, अब यूजर उसको सर्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देख रहा है। 5 बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन यहाँ पर था, हमने पढ़ लिया। मजीद अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है आपने, तो भाई उसका प्रोडक्ट का एएसएन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, उसका बीएसआर, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो उस प्रोडक्ट की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस सारी कहानी से पहले, डिस्क्रिप्शन से पहले क्या आपको नजर, यूजर को क्या नजर आएगा, यूजर को एक लाइन ये भी नजर आएगी जो कि अगेन इस एरिया के अंदर स्पॉन्सर्ड यानी कि पेड मार्केटिंग चल रही है पेड मार्केटिंग, क्योंकि अमेजोन का अपना मार्केट प्लेस है, अमेजोन ने ही लैंड करवाया, अमेजोन बोलता है मेरी मर्जी, मैंने यूजर को यहाँ लैंड करवाया, तो इस लैंडिंग पेज पर ही हुआ, अमेजोन तो मजीद प्रोडक्ट दिखा रहा है। अमेजोन लैंडिंग पेज पे डाइवर्ट करने के बाद भी कस्टमर का माइंड चेंज कर सकता है, वहां पर अलग प्रोडक्ट नजर आ रही थी, जब वो लैंडिंग पेज पर आया, प्रोडक्ट परचेस करने लगा, उसको अचानक कोई और अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है कितने पाउंड की, 11 पाउंड की प्रोडक्ट है, अचानक अच्छे रिव्यूज, प्राइस कम या सेम प्राइस या 1-2 पाउंड का फर्क, और उसको इससे अच्छी प्रोडक्ट नजर आती है, वो उधर से ले आता, मूव कर लेता, वहां आके परचेस कर लेता। 18 पाउंड की, कस्टमर बोलता नहीं यार ये बड़ा इंटीग्रल डिजाइन लग रहा है, चलो ये परचेस कर लेता, आया तो वो ये परचेस करने के लिए था, अमेजोन की सर्चिस से ही उसने डिसाइड किया था यार सिंपल सी बेल्ट है ये परचेस कर लेता हूँ। लेकिन जब वो देखता है यहाँ पे थोड़े से यूनिक डिजाइन, माइंड चेंज हो जाता है, तो अमेजोन यहाँ से परचेस कर लेता है। अब क्या हो गया, मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं यहाँ पर भी पेड मार्केटिंग रन कर सकूँ। एक वहां पर रन करी होम पेज पे, यूजर ने सर्च किया होम पेज पे, उसको मेरे ऐड नजर आया। दूसरा ऑप्शन था प्रोडक्ट टारगेटिंग, कि कोई अच्छी प्रोडक्ट है, मैं स्पेसिफिक उस एक प्रोडक्ट के अंदर अपने एड्स रन कर सकता हूँ। तो ये वाली जो कैंपेन है, इसके अंदर मैंने अपनी 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 प्रोडक्ट को प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू सेल करने की कोशिश करी है। ये स्पेंडिंग है, इसके अंदर हम देख रहे थे मजीद कि मेरा ऐड कहाँ पर आ रहा है। आ भी रहा या नहीं आ रहा,
इसमें हमारा ऐड ये फिलहाल तो नहीं दिखा रहा। अच्छा शीट पर मैं आया था, ऐसा कि हमारा ऐड जिस कैटेगरी में रन हुआ है, मेंस बेल्ट की कैटेगरी में हमारा ऐड रन हुआ है, राइट। ये कैटेगरी दे दी इसने। इसके बाद किन मैच प्रोडक्ट, किन प्रोडक्ट के ऊपर इसने मेरा ऐड दिखाया है, यहाँ पर उसने इस प्रोडक्ट के ASN दे दिए, कोड दे दिया उसने। देख लेते हैं भैया, ये प्रोडक्ट थी, इसने बोला कि इस प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हारा ऐड रन हो रहा है। ये प्रोडक्ट आ गए, जस्ट 9 पाउंड के प्रोडक्ट है, इसके फूटर में शायद मेरा ऐड आ रहा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें ये आ गया, ब्राउन बेल्ट आ गई फूटर में। ब्लैक भी आ गई, सही है, दो ही प्रोडक्ट थे हमारी। अब इसमें आया था अपनी शीट के ऊपर, तो मैंने क्या देखा, इस एक प्रोडक्ट पे मेरा ऐड रन हो रहा है, एक बार डन हो गई। आगे आ जाते हैं, इसको हम मजीद चेक कर लेते हैं। कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा, 11 लोगों ने मेरा ऐड चेक किया, एक बंदे ने क्लिक किया। CTR रहा 9.9%, 9.09%। स्पेंडिंग मेरी कितनी हुई इसके अंदर, अपना 0.54 पैनीज की मेरी स्पेंडिंग हुई यहाँ। ऑर्डर मेरे पास कोई नहीं लगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट, एक और प्रोडक्ट कॉपी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा हो सकता है ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मेरी टारगेटिंग प्रोडक्ट ना हो, क्यों। एक तो इसके रिव्यूज 149 रिव्यूज, रिव्यूज इसके वैसे ही कम है। प्राइस अगर मैं बात करता हूँ तो इसका प्राइस भी कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, प्राइस भी इसका कम ही है, प्राइस 9 पाउंड से लेके 14 पाउंड तक। मुझे मैं ये चाहूंगा कि मैं ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करूँ जिसका प्राइस ज्यादा हो, 40 पाउंड, 50 पाउंड, इतने इतने प्राइस की प्रोडक्ट है, महंगी प्रोडक्ट है। जब उस बंदे को महंगा जो खरीदने जा रहा है, उस बंदे को जब सस्ती प्रोडक्ट नजर आएगी, देन फिर हो सकता है वो डाइवर्ट हो जाए। अब ये भी सस्ता बेच रहे हैं, मैं भी सस्ता बेच रहा हूँ। इसके बाद 149 रिव्यूज, मेरे पास 0 रिव्यूज, तो यूजर बोलेगा कि यार प्राइस सेम है, रिव्यूज इसके अच्छे हैं, तो इसी से ले लेता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट को मैंने टारगेट करना है कि जिनके ऊपर थोड़ा सा प्राइस का फर्क हो। ठीक इसके ऊपर हमारा ऐड नहीं आ रहा, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 इंप्रेशन पड़े और 1 क्लिक पड़ा, सेल वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर 25 इंप्रेशन थे, आई थिंक इस प्रोडक्ट को तो होनी चाहिए।
9,700 रिव्यूज, 15-16 पाउंड की प्रोडक्ट है। नहीं, चालीस पे भी नजर नहीं आ रहा मुझे। कोई ऐसा की और डालता है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रेशन हो, इस पर ज्यादा इंप्रेशन है। अच्छा, इस पर इंप्रेशन है कितनी, इसके अंदर तकरीबन 6 क्लिक्स आए, 123 इंप्रेशन, 6 क्लिक्स, और स्पेंडिंग इसके अंदर हुई है 8 पाउंड की, इसमें स्पेंडिंग हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई सेल मेंटेन नहीं हो रही इस पर। फैंस बेल्ट 123 इंप्रेशन वाली चेक कर लेता हूँ। दो हजार रिव्यूज है इसके, 2,700 लिमिटेड टाइम डील उसने लगाई हुई है, थर्टी पाउंड की आई है और 16 पाउंड की सेल कर रहा है। ये देखें आप, लिमिटेड टाइम से ऑफर लगाई हुई। फाइव हंड्रेड इम्प्रेशन पड़े हैं यहाँ पे हमारे पास, बजट हमारा 5 क्लिक्स है, बजट हमारा इसके अंदर स्पेंड हुआ है, टोटल सेल भी मिली है इससे हमें, इस कीवर्ड से हमें, इस वाली बेल्ट से हमें सेल मिली है। इसके अंदर 569 लोगों ने क्लिक किया, सॉरी इम्प्रेशन थे, 5 लोगों ने क्लिक किया। हमें यहाँ पे जो स्पेंडिंग हुई, हमारी स्पेंडिंग हो रही है 1.36 पाउंड की हमारी स्पेंडिंग हुई है, देन 13 पाउंड की हमें एक सेल्स मिल जाती है। एक प्रोडक्ट काम किया है, इसी प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं, इसी प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, इसमें आप लोगों के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये हमारी हो गई प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन्स का डेटा है जो हमने शॉर्ट किया। इतनी सारी एएसएस लिखी रहती है, मैं प्रोडक्ट टारगेट पर जो तो निकालने पड़ते हैं एमेजॉन को, वो ऑप्टिमाइज करके फिर वहां ऐड शो कराऊंगी। हम देते हैं अमेजोन को, सबसे पहले कैटेगरी मेंशन करते हैं कि हमने किस कैटेगरी में अपने ऐड रन करवाने करने हैं। देन अमेजोन हमें दो ऑप्शन देता है, या तो आप खुद से प्रोडक्ट सर्च करके आप प्रोडक्ट डाल दें, महंगी महंगी प्रोडक्ट उठाएंगे, आपने चार पांच प्रोडक्ट भी आप लगाना चाहें, चार पांच प्रोडक्ट आप लगा दें तो अमेजोन उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ऐड दिखाएगा जो प्रोडक्ट्स आपने डाली हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ना, अगर मैं कहता हूँ यार इसके 6,000 रिव्यूज़ हैं, इसी प्रोडक्ट पे ऐड दिखाना है, इसके 39 रिव्यूज़ हैं, इस पर ऐड नहीं दिखाना, इस पे 2,000 रिव्यूज इस पे दिखा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं 200 वाले को, तो ये देखें 5,000 है, तो मैं चाहता हूँ 5,000 वाले पे चले। मोस्ट रेलिवेंट आपने प्रोडक्ट उठानी है, यानी कि अब इसकी वाइट है ना, ये हमारे काम की नहीं है, आपने ब्लैक और लेदर बेल्ट उठानी है जिनके ज़्यादा रिव्यूज़ हों, जो महंगी बेल्ट को अपना सेल कर रहे हो, तो अपना ताकि जिनके पास रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उनके पास ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, अमेजोन भी ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट करता है जिनके पास रिव्यूज़ अच्छे होते हैं।
तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा उन ट्रैफिक का बेनिफिट मिले और फिर प्राइस में ज्यादा कंपैरिजन होने की वजह से हम सेल्स उठा सकें। अगर प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं होगा तो फिर यूजर वहीं से परचेस करेगा जिसके रिव्यूज ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपका वाला सवाल कि अमेजोन खुद डालेगा या हम डालेंगे, तो दोनों दोनों ऑप्शन अमेजोन देता है कि आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी कि मेंस बेल्ट की कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर दी, अमेजोन खुद सब जगह दिखाएगा। आप कहते हैं नहीं, मैंने ये 10 प्रोडक्ट है, मेरी से भी 10 प्रोडक्ट को टारगेट करना है, तो आप वो भी काम भी कर सकते हैं, उनके एएसएन आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखी हुई थी कि अमेजोन खुद किन प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है, तो ये ऑटो टारगेटिंग का रिजल्ट था। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि इसके अंदर जो मैंने एनालाइज कर रहा हूँ कि यार कोई खास मुझे जो है ना वो नहीं हो रहा। ये कीवर्ड है इसके अंदर, ये मुझे मिली है काम की चीज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर मैं चलाऊँ नेक्स्ट टाइम तो मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को तो टारगेट करूँ, इसे एक प्रोडक्ट को टारगेट कर लूँ, या फिर यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर अच्छे मुझे इंप्रेशन मिले और क्लिक्स भी मिले, बजट ज़ाया हुआ भले लेकिन अभी सेल नहीं आई, तो इन फ्यूचर आ भी सकती है सेल। लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट, और यहाँ पर 56 एक क्लिक, 96 तीन क्लिक, 36 तीन क्लिक वाले में क्या खास बात है, इसको भी हम देख लेता हूँ। हाँ, उन्नीस यहाँ पर हो सकता है मेरा बजट खत्म हो गया हो, तो इसने ऐड मेरा रन करना स्टॉप कर दिया। मेरे डेली का बजट मैंने रखा हुआ कुछ प्रोडक्ट पे 10 पाउंड, कुछ पे रखा हुआ 20 पाउंड, तो अगर मेरा बजट जैसे ही खत्म होगा, एक क्लिक पड़ा 1 पाउंड की स्पेंडिंग हुई, 2 क्लिक पड़े 2 पाउंड की स्पेंडिंग हुई, 10 क्लिक पड़े आते हैं खत्म हो जाएगा मेरा ऐड, मेरा बजट खत्म हुआ, मेरा ऐड चलना स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अभी जो ऐड डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो शायद इसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि मेरा बजट खत्म हो गया होगा। आज की डेट का जो बजट है वो खत्म हो गया होगा, 10 क्लिक पड़ गए होंगे या 15 क्लिक पड़ गए होंगे, बजट खत्म मेरा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। तो हमने देखा प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन।